नाजरीन प्रोग्राम स्पेशल टॉक में मां आवां जो मेज़बान शकील सुमरो। नाजरीन पाकिस्तान समेत इन पूरे खिते ते अमरीकी सियासत जो शुरू का वठी असर रहो है। अज अमेरिका में मिडटर्म चूंडू थी रही हैं। मिडटर्म चूंडन जो इन वक्त गणप जो सिलसिलो जारी है। अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स जो एक बे के आमो सामू आन शुरुआती जो इतलान त गणप में रिपब्लिकन के सरसी हासिल थी रही है। इंदड़ वक्त में अमेरिका जो जो चूंडू थन्दू उनमें जो रिपब्लिकन इकतदार में अचन था तो उन सूरत में इन खिते ते उन जा केड़ा असर पवंदा। इन हवाले से अज अस प्रोग्राम में असें जॉइन किया है सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा पान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अगवान हैं। डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब अमेरिका में मिडटर्म चूंडू उनमें जो शुरुआती इतला रिपब्लिकन के सरसी हासिल थी रही है। किन दिसो ता अमेरिकी सियासत जो इन पूरे खिते ते असर पवंदो रहो है। जेकर इंदड़ इलेक्शन में रिपब्लिकन खटे अचन था तो उन सूरत में इन खिते पाकिस्तान ते उनका केड़ा असर पवंदा खुद अमेरिकी सियासत के अंदर। जी जी बिल्कुल। हाँ जे अजा बी लगंदा बिहार पर ती ग सही है तो रिपब्लिकन के कांग्रेस में भी एज है सेनेट में भी एज नजर पे अचे अजा बी ती रिजल्ट के रिजल्ट बाकी रन थी अल घट रन थी पर हाँ रिपब्लिकन के अचण के कर इतने हमेशा जो है सो डेमोक्रेसी कमजोरी थी है डिक्टेटोरियल फोर्सेस के फायदो है। ट्रंप के तुम ऐसो आज का बढ़ाई टे साल पैरी ती इमरान खान के उन ढी सपोर्ट कई हुई मोदी के सपोर्ट कई हुई ब्राजील के जो सो वे पॉपुलिस्ट लीडर हैं उनके गड हुआ उनके इल्जाम यो भी हो तो रशिया से उनका तलुकात बगैर नजर को चाइना से भी उन सो एक अलग पॉलिसी रखी हुई माना एक व्यापारी जहन जो मू हो हाँ भी इं पे लगे तो कुछ दिन का रिपब्लिकन अगर विन था कन तो नेक्स्ट कैंडिडेट ट्रंप थी सके तो रिपब्लिकन तरफा तो उन खिते में जो है सो खास तौर से पाकिस्तान में जो उन अफगान इशू से जो उन पॉलिसी रखी जैसे कर अनसर्टनिटी लगी पी है अफगानिस्तान पाकिस्तान जे से उन छेड़े वाला जो रवैया रखा वो सही चीन से पाकिस्तान के लिए मुझे ख्याल से एडी का सुठी खबर कान्ह अगर रिपब्लिकन्स विन था कन डेमोक्रेट्स के कर यो है तो हि जो जो बाइडन को इलाही फर्स्ट क्लास उनकी पॉलिसी को यूक्रेन में उन गलत किया है जंग जगह स्टार्ट कई है अमेरिका वेस्ट पाकिस्तान जड़ा मुल्क ये सब उनसा तो यो भी सुठो उन जे मुख्तलिफ हंधन से उन पॉलिसीज के बाइडन जो सुठ को पर जो रिपब्लिकन के कर असके पाकिस्तान में जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं उनके हमेशा नुकसान ही रो है मार्शल आर्ट्स डिक्टेटोरियल कुवतन के हथ ही मिली है। डॉक्टर साहब मुल्की सियासत से अचूँ पाकिस्तान के अंदर हलंदड़ महीने नवंबर में अहम मुकर्री थी है। इन हवाले से शहबाज शरीफ जो मुल्क जो वजीर आजम है वो लंडन रवानो थी वो है मुस्लिम लीग के कायद नवाज शरीफ से मुशावरत के लिए। इंदड़ वक्त में अवां किए दिसो था सुभाणे इमरान खान जो लॉन्ग मार्च पीटीआई जो शुरू थी है जिनकी कयादत मखदूम शाह महमूद कुरैशी कह इमरान खान जो यो चवण है तो उनका चीफ आर्मी स्टाफ से को मसलो न हो पर एहसाब के मामले ते के मामला हुआ किए दिसो था इंदड़ वक्त में पीटीआई जो लॉन्ग मार्च वो डिफ्यूज थियण वे पो अहम मुकर्री के हवाले से समझो तो उनके डिले छो कह पे वे डिले लॉ मुताबिक प्राइम मिनिस्टर लास्ट डे अनाउंसमेंट कर सके तो समरी जी है जी एच क्यू का डिफेंस मिनिस्ट्री वरी अकॉर्डिंगली मूव थी है यो तो उनको जो है स्वाबदीद है प्राइम मिनिस्टर जो कि कदें वो घुराए तो कदें फैसला था थी मुस्लिम लीग की जो शुरू का नवाज शरीफ साहब वालों की यही रही है तो वो चेंज करता रहा है मानू बी गाल है तो यो जो बे लफ्जन में एक लाइन में जैसे तारीख लिखी वी तो यो जो अचकल अचकल की गाल तो क्या
अॼुकल्ह जेको जहिड़ो हले पियो सो हू अचनि थो या हू अचे थो को फ़र्क़ु कोन पवंदो। पॉलिसीस तक़रीबन इंटरनेशनली नेशनली तक़रीबन सेम ई हलंदियूं ऐं सियासत में मुदाखलत 75 साल खां जेका सियासत में शयूं हलनि पियूं उहो ई हलंदियूं। ईअं त जेको ज़िया जे मरण खां पोइ जेको आयो हो आर्मी चीफ असलम बेग चयो त सियासत आउं कोन कंदुसि, हुन आई जी आई ठाही, त इहे हर को चवंदा आहिनि त सियासत असीं कोन कयूं था, असीं मुदाखलत कोन कयूं था। मां जनरल 75 साल जी ॻाल्हि थो कयां, कंहिं हिकिड़े ते तबसरो नथो कयां। 75 साल जी तारीख़ में हमेशह इहे शयूं हलियूं आहिनि ऐं लेट्स सी छा थो थिए। हालात दुनिया जा मुख़्तलिफ़ थी विया आहिनि, शयूं जेके ताक़तवर हुयूं उहे कमज़ोर थी वियूं आहिनि, अहिड़े नमूने इदारा डायनेस्टीज इम्पीरियलिज़म वक़्त सां गॾु कमज़ोरी थींदा आहिनि। हमेशह ईअं जो ईअं शयूं कोन रहंदियूं आहिनि, इहे बि पंहिंजे हिते हक़ीक़तूं आहिनि। पर आउं सम्झां थो त शयूं के हेॾियूं पॉज़िटिव कोन्हनि। लेट्स सी के हिन महीने जी एंड ताईं छा थो थिए। सीनियर तजीनिगार बदर समय जो साहब भी असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कियो आहे, असां प्रोग्राम में खेस भलीकार चऊं था। डॉक्टर साहब तव्हां असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु रहिजो। जी बदर साहब, मुल्की सियासत ते पाण अचूं, हलंदड़ नवंबर महीने में अहम मुक़ररी बि थींदी आहे, इन हवाले सां शहबाज शरीफ लंडन में नवाज शरीफ सां मुशावरत जे लाइ रवानो थी वियो आहे। इमरान ख़ान जे लॉन्ग मार्च खे तव्हां कीअं ॾिसो था पिया, छाकाणि त वज़ीराबाद खां पोइ इमरान ख़ान जूं जेके स्टेटमेंट अचनि थियूं उन्हनि में जेके यू टर्न साम्हूं अचनि था पिया, उनखां पोइ ईअं लॻे थो त इहो लॉन्ग मार्च आहिस्ते आहिस्ते स्लोली ग्रेजुअली डिफ्यूज़ थियणु वञे पियो। कीअं ॾिसो तव्हां लॉन्ग मार्च इमरान ख़ान जी पॉलिटिक्स ऐं अहम मुक़ररी हवाले सां? महिरबानी शकील साईं। शकील साईं, असां शायदि इन प्रोग्राम में ई मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते डिस्कस कंदा रहिया आहियूं। लॉन्ग मार्च जो डिसीशन ग़लति हो, इन खां बाद में वरी जो कुझु थियो उन्हनि ते बि इहे बहस रहिया त भई लॉन्ग मार्च करे ई तमामु घणो ग़लति फ़ैसिले जो हुनखे अहसासु बाद में थी वियो त शायदि ग़लति फ़ैसिलो आहे। इनजे करे इहो जे कुझु बि विच ते थियो असां ईअं सम्झूं था त उन ते जे आई टी ठहंदी त वधीक हक़ीक़तूं साम्हूं ईंदियूं। बाक़ी मां ईअं सम्झा थो त ॾाढो बहितरीन अंदाज़ सां हुकूमत इनखे डील कयो आहे। हुकूमत कंहिं बि जल्दबाज़ी खां कमु न वरितो ऐं तमामु आहिस्ते पंहिंजो कमु कंदी रही ऐं मां ईअं सम्झा थो त उन बहितरीन अंदाज़ सां डील करण जे करे हींअर PTI जो बिल्कुलु उहो जेको लॉन्ग मार्च जो थ्रेट हुन पैदा पई करणु चाहियो उहो थ्रेट तक़रीबन डिफ्यूज़ थींदो पियो वञे जेकॾहिं मुकमल न थियो आहे। ऐं इहो चवण त तव्हां रस्ता बंदि कयो इस्लामाबाद जा, इहो ख़ुदि इन शइ जो हिकु कवी सबूत आहे त लॉन्ग मार्च जंहिं मक़सदु तहत कयो वियो हो उहो मक़सदु हासिलु थींदे नज़र नथो अचे। ऐं इन खां वॾी अहम ॻाल्हि इहा जॾहिं इमरान ख़ान अॼु जेकॾहिं तव्हां हुनजी स्टेटमेंट पढ़ो त हुनजो वाज़े अखरनि में इहो चवणु त मुंहिंजो कंहिं सां कंहिं मुक़ररी जे हवाले सां मुंहिंजो को बि इख़्तिलाफ़ु न आहे ऐं पोइ ईअं मुक़ररी जे हवाले सां इख़्तिलाफ़ु न हो त इन इन तरह जूं कूड़ ॻाल्हियूं पोयनि ॾींहंनि में चयूं वयूं। ऐं मां ईअं सम्झा थो त इहा पॉज़िटिव चेंज आहे, जेकॾहिं इहा चेंज ई आहे त इहा पॉज़िटिव चेंज आहे, हिनखे वेलकम करणु खपे बजाए हिन जो हुते ठठोल कजे हुते का तनक़ीदी विहारजे। बहितर इहो आहे त हिनखे वेलकम कजे ऐं जेको सरकार जा रोज़मर्रा जा कम उहे जेके सहल अंदाज़ सां ऐं सलीक़ेमंद अंदाज़ सां थियनि था त असां ई सम्झूं था त इमरान ख़ान जे इन बयान खे असांखे वेलकम करणु। बदर साहब, PTI जी फॉलोइंग जे हवाले सां असां जेकॾहिं ॾिसूं, ख़ासि तौर ते सोशल मीडिया ते, ट्विटर ते मुख़्तलिफ़ जेके असांखे ट्रेंड्स गुज़िरियल कुझु महीननि में ॾिसण में आया त उन में तमामु घणो इन्फ्लुएंस रहियो आहे PTI जो ऐं पूरे जेका दुनिया जी ख़ासि तौर ते सोशल मीडिया जे हवाले सां असां ॾिसूं त अरब स्प्रिंग जे हवाले सां जॾहिं मूवमेंटम उथियो हुयो त उन में ख़ासि तौर ते वेस्ट जे मां ॻाल्हायां पियो त जेको मास मीडिया जो अखर इस्तेमालु कयो वियो उहो ख़ासि तरह सां इंग्लैंड ऐं अमेरिका जे तरफ़ो उहो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो जीअं ख़ात्मो थिए थो त हीअ मुल्क रियलाइज़ करनि था त यकीननि इहे कैपिटलिस्ट वर्ल्ड जा लीडर हुआ, इहे रियलाइज़ कनि था त माण्हुनि खे रुगो फोर्स जे ज़रिए कंट्रोल नथो करे सघिजे। सो हिननि चाहियो त मीडिया जे थ्रू माण्हुनि जे एटीट्यूड खे, माण्हुनि जी सोचनि खे कंट्रोल कजे।
जैसे अस हॉलीवुड जो फिल्मों दिसा रहा तो तमाम डिघे अरसे सेकेंड वर्ल्ड वार के स्पेशली या फर्स्ट वर्ल्ड वार के फिल्म के जरिए पॉइंट ऑफ व्यू जो यूएस जो या यूके जो पॉइंट ऑफ व्यू उनके देखा वो उनमें विलियन देखाया वो स्पेशली यूएसएसआर के विलियन कर दिखाया वो बाद वाले दौर में मिडल ईस्ट के इतना ही सीक्रेटिव किस्म जो मुल्क हिंदुस्तानी माना जो हिंदू पाक जहाँ मू सिर्फ जादू टोनो या बेवकूफ किस्म जहाँ मू या फकत उनमें मजबू हो बाकी उनमें अकुल न हो अकुल फकत वेस्ट के मान वट हो इन तरह की प्रोपगेंडा कई वही लेटर दौर में तसो जैसे नेहरू वजीर आजम है हिंदुस्तान जो तो उनमें राज कपूर की फिल्म तसो तेवक जहाँ मशहूर अदाकार हुआ या संजय गांधी होंद इंदिरा गांधी वो मुख्तलिफ प्रोग्राम कराई जिनमें सब हॉलीवुड जहाँ अदाकार शामिल था मॉडर्न दौर में मोदी ये करे तो सजन फिल्मी अदाकार इस्तेमाल करे तो इकड़ी स्पेशली जे कैपिटलिस्ट मुल्क या को कैपिटलिस्ट एटीट्यूड आयो मां लफ्ज के दोहराया तो जे उनके पोया हूँ मीडिया के इस्तेमाल कदा अज तसो ट्रंप कियो ट्विटर के इस्तेमाल कर फेसबुक के इस्तेमाल किया मेन स्ट्रीम मीडिया के मोदी इस्तेमाल किया अस सोशल मीडिया के इस्तेमाल कर पीटीआई के प्रोमोट किया वो इकड़ी मॉडर्न टेक्निक है तुम पीटीआई सभी जगह पोती को पीटीआई मुल्क जहां के झंगन के शहर न कर छो पर सिर्फ चाहे तो उनको प्रोपेगेंडा जो टूल मजबूत होने के तमाम सुठा इफेक्ट पे पर ये समझा तो सरकार जै अंदाज से ताजे दौर में तमाम माइल्डली मजे से सही सलीके से टैकल किया मां न समझा तो को डिघो यो अरसो यो पावर रो जी जी डॉक्टर साहब बदर साहब जगह गाल कही तो प्रोपेगेंडा जहाँ मुख्तलिफ टूल जो मुख्तलिफ दौर में इस्तेमाल क्या वेंदा हिंसर जी टेक्नोलॉजी जो दौर है तो उनमें ट्विटर से एडवांस जो मीडियम है वो पीटीआई इस्तेमाल किया बिन मुल्क ट्रंप जो मिसाल दिनों बदर साहब तो वो इस्तेमाल वे तो पो तझो था ट्विटर सोशल मीडिया के हवाले से एडवांस टूल जो इमरान खान इस्तेमाल कर रो है उन जे अपोनेंट कोलिशन पार्टनर्स में पीपल्स पार्टी नवाज लीग ए बी पार्टी शामिल हैं अल्टरनेट इन हवाले से वो जो ट्विटर है सोशल मीडिया जो वो इस्तेमाल अस में नो अचे तो इन किस्म के उन के काउंटर करने लाए हु भी यो सागो एडवांस मीडिया में इस्तेमाल कन पाकिस्तान में ट्विटर 30 लाख मानू इस्तेमाल था कन 30 लाख जे करे को वोटर या बिल्कुल टेक्नोलॉजी से इनकार नो क्या फेसबुक है ट्विटर है या व्हाट्सएप ग्रुप है या बिया जे टूल्स हैं उनकी अफादियत से इन दौर में इनकार ना कर सको पर पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में जो है सो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट जो जो कैंडिडेट है या जो मून उनको राबो है वो इफेक्टिवली वोट के लिए असर थी सके तो मुखा गुफ्तगु कई हुई तो मुझे शुरू का मुझे मौको भी रो है पीटीआई वे अपर मिडिल क्लास है जो बिल्कुल ट्विटर इस्तेमाल की है फेसबुक इस्तेमाल की है पाकिस्तान में जो है 70% किसान मजदूर रूरल एरिया जो मू वे पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट के तहत वोट इन्फ्लुएंस कलसन जुलूस के कर सब कुछ हाँ हाँ पीटीआई के पैटर्न तो यो ही है जिते डीएच छावनी उतने 10,000 जुलूस कर ट्विटर से देखारी मैनिपुलेट कर बाबा ब्राजील में 20 लाख मू इतने भी 20 लाख मू आ अड़े नमूने 2014 में भी इन ही जमाने में सेनेट में होस पार्लियामेंट लॉज में रहो असा मुलाजिम जैसे वेंदा हुआ उनका पुछा कहना तो बाबा अज मू खाया इमरान खान के रात जलसे में चवंदा हुआ 5,000 4,000 3,000 सो यह हालत है ऐसो ना हाँ वो बी चीज है जैसे ट्रंप पे करें ट्रंप वे नेक टू नेक फाइट है हाँ तुझा तो डेमोक्रेटिक पार्टी में हल्को है जो मुझे जहम निकली जो
जो लेफ्टिस्ट कैंडिडेट हो वो विड्रॉ करे वे ब्रिटेन के हक में अड़े नमूने तुम ब्राजील में ऐसो तो उत भी ट्रंप के प्रभाव जो हिंसर इलेक्शन हारा वो लेफ्ट वाली पार्टी खटी हुई बिल्कुल ये टूल इस्तेमाल आहिनि पर जेके टूल जेके पीपल टू पीपल जेको जेके आम्हूं साम्हूं आहे उहो वधीक इफेक्ट थींदो आहे इलाही माशरनि में इलाही हंधनि ते उहो इफेक्टिवली वोट पाण वटि वठी वेंदो आहे बाक़ी इहे बिल्कुलु टेलीविज़न ते ई हलंदो आयो आहे रेडियो हलंदो आयो आहे पर पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट वारो जेको आहे उहो वधीक इफेक्टिव आहे डॉक्टर साहब ही जो पीटीआई जो लॉन्ग मार्च है इन हवाले से जाहिर है तो कोलिशन जो पार्टनर्स उनकी स्ट्रेटजी होंगी अवां इनके एंड सीन किए था ऐसो इन सो इन जो सिलसिलो शुरू थो है जाहिर है तो अहम मुकर्री भी थीणी है पर इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च तुम समझो ता उन अग मामला सेटल थी वा एंड सीन अवां कि ऐसो जिन में बिन दुरन जो आपस में जुड़ो है उन महीने की एंड का पो उनके खत्म कराणो है न खत्म कंदा तो नुकसान उन्हें के भी है मुल्क के भी है तो मुझे ख्याल है असा का वधी के जिन दुरन के अंदर जुड़ो के हले जिन इन्हें के पैदा कयो है जेके इनके स्टिल सस्टेन कर कराई जेके को इनके अंदर भी हलाइन किया वो तो खत्म कंदा सिंपल गाल ये है जो असा जो सूरी को ने जेकरे सिविलियन इदारों के एतरा पावर हुजन हा तो हाँ मुख्य बुझा तो हिं हर जगह यह चीज हले पी सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक्स या प्रिंट तो जिते किथे ये पंजा पंजा सौ मानू दो सौ मानू लगता फन पा कन उनके पुलिस वाला भी प्रमोट पा कन पंजाब एन सी पी में हाँ जो असल जो ग्रुप्स अभी खुली कर ना गल इनडायरेक्टली चूँ पा वो इफेक्ट कंदा जिन जेड़ा स्टार्ट कराया ये ग्रुप बई उन्हें जाए वो ही खत्म कराएगा सिंध में जैसे 83 की मूवमेंट हली तो डेलिबरेटली जेल तोड़िया गया उन वक्त की एस्टेब्लिशमेंट तोड़िया सिंध में अनार्की थी वही ताजा इंफेक्टर अची वो तुम ऐसो तो हाँ को जहाँ इंफेक्टर आए पर वो कौन रो उन जिन खत्म पान भी कराइंदा तो मसलो तो यो सिंपल गाल है युवान सीक्रेट तो कर हाँ तो बचन बचन के खबर है तो ये केर पे कराए केर खत्म कर दो मेहरबानी डॉक्टर साहब नाजरीन इतने एक नंढो कमर्शियल ब्रेक वठूं था ब्रेक का वापसी ते प्रोग्राम के कंटिन्यू किया वेलकम बैक नाजरीन सीनियर सहाफ़ी सीनियर तजिए निगार कोयटिया में टेलीफोन लाइन ते असांगे जावेद लांगा ज्वाइन किया असां प्रोग्राम में खेस भलीकार चाहूँ था जावेद साहब मुल्की सियासत ते पाण अचूं सुभाणे मखदूम शाह महमूद कुरैशी जी कयादत में लॉन्ग मार्च शुरू थियण वञे पियो कीअं ॾिसो था नवंबर जे हिन हलंदड़ महीने में अहम मुकर्री बि थीणी आहे इन हवाले सां शहबाज़ शरीफ लंडन रवानो थी वियो आहे जिते मुस्लिम लीग जे क़ाइद नवाज़ शरीफ सां बि मुशावरो कंदो तव्हां मामलन के किए दिसो ता मामला तहां जे आडो उए सेटल थण वजन पया या अन्या मामला जे कैन वधी खराब थण वजन पया जी नवंबर जी जका उत फिजा में सर्दी अची वेया पर सियासी गर्मी जका है वो पंज जाय ते मौजूद आ पर मुखे लगे तो त जो को मोमेंटम आ पीटीआई जे मार्च जो उन जो पहरे जेडो जोर जो को आ वो हाने बाकी डर रहे हुआ और बुनियादी सबब यो आ तो इमरान खान जो को आ इन मुबैना हमले का पान वेही रो उनकी एक बी क्यादत आ लॉन्ग मार्च की अगवाणी पी कर मुख्तलिफ रूट्स से जैमें शाह मोहम्मद कुरैशी शामिल आया परवेज कटक मुख्तलिफ अगवान मुख्तलिफ हंधन रखन पा पर शायद वो मोमेंटम वो प्रेशर जो को कें भी तहरीक जो जो मोमेंटम टुटन तो बहाल करो दुख हों खास कर पीटीआई कल्ट फॉलोइंग उनमें तो मुझे ख्याल में इमरान खान की गैर मौजूदगी उन खुद जो उन फेस्टिविटी के जोर के कमजोर कर छो बे तरफ जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो तकरीर वो मामलो वो मुझे ख्याल में हाँ तमाम घो वेझो क्लाइमेक्स तरफ वही रो इन इमरान खान जो तुम गुजरियल बटे बयान जैसे फॉलो कौ तो उन लगे तो
उनके क्लियरली चयो तो मुझी जो आर्मी चीफ के टक्कर हुई तो कें किस्म जो डेडलॉक ना है मां जो सिर्फ करप्शन के मामले से बाजवा साहब से मुझे इख्तिलाफ हो तो यह जो सिग्निफिकेंट उनकी लाइन तुम जी इमरान लाइ मशहूर है डेविएशन या यू टर्न तो वो नजर अचे मुझे ख्याल में दाल बोल के न के लेवल से थे पी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो मुकर्री उनके कुछ मामला कुछ पेचीदगियों उदड़ कुछ दिन में वाजे थी वा इमरान खान जो अंदरूनी खाना मुख्य लगे तो जो कोशिशों करें पो शायद इलेक्शन की डेट लाए साइडलाइंस से गड यह भी थ्यूरी है जो इमरान खान जो पुराना मुतालबो हो तो जनरल बाजवा के छह सत महीन की एक्सटेंशन दई नए आर्मी चीफ की जो मुकर्री आंदड़ सरकार करे जैमें घने भांगे उनो ख्याल हो तो उनकी सरकार इंदी उनका मुकर्र थी इनते भी शायद गाल्ब हल्दा पर आर्मी चीफ मुझे ख्याल में हाँ उनकी स्मूथ सेलिंग थी लॉन्ग मार्च वो एडो वो जो टकराव वाली सूरत हाल में मुख्य नजर नो अचे जो उनमें इमरान खान लाइ के खास गेंस जो नजर ना अचन जावेद बैकडोर जो शुरू का वी गाल हलदड़ वक्त भी जाहिर बैकडोर गाल हलदड़ होंद हि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब की एक्सटेंशन वो मामलो है तुम समझो सूरत हाल जन गाल प्यों तो उन हवा से यो भी फैसलो थी सके तो इंदड़ इलेक्शन तीन एक्सटेंशन दिनी वे मुझे ख्याल में यो बिन टिन दिन का फ्लोट थो आइडिया इमरान खान तो महीनों डेढ़ अग में पे इंटरव्यू में भी तो बाजवा साहब एक्सटेंशन दींदा तो मुख्य उनके को भी एतराज को नई सरकार इंदी या भी गाल नुक्तर थी सके तो पर जो तो मुझे ख्याल में इन जो पेचीदगियों अंदर यो मुझे ख्याल में मसले जो हल जो वो नो जो फौज में अंदर जो सीनियर्स जनरल्स वेठा जिनके यह उम्मीद है जो हर फौजी जैसे थ्री स्टार जनरल जो उनकी अल्टीमेट ख्वाहिश यहाँ ही होंगी उनकी सर्विस की जो क्लाइमैक्स की तो वो जो फोर स्टार जनरल थे मुल्क के फौज की कमांड कर तो जाहिर है एक सीनियर मिलिट्री लीडरशिप मौजूद है ये जो फैसलो जड़ो परसेप्शन दिनों वो जनरल साहब की जो रिटायरमेंट है वो कलेक्टिव बदर साहब जो ओपिनियन वो था बदर साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से हिंसर कुछ डीन का ये खबरू हैं जैतोणीक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यो चई चुका है तो हु रिटायर थन वन पा तुम समझो एक्सटेंशन किथे बैकडोर गालियों थन थी उन नतीजे में एक्सटेंशन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दिनी वे इंदड़ इलेक्शन तई मुमकिन है यो इन किस्म जो शकी साई मुझो ना ख्याल त यो को हन वक्त कभी इम्कान नजर थे छाकाण जो जेके भी क्राइसिस इन क्राइसिस जो खात्मो फकत उन सूरत में ही वधिक बेहतर नमूने मुमकिन थींदो जडे यो सबूत थी वने सब कुछ ए मां तो समझा तो हियर को इन सत्ता जो प्रेशर आ सरकार ते सरकार के मजबूरी तहत ये करे मां तो समझा ए मुझे ख्याल में बटे दफा वाजे अल्फाज में सेटिंग जेके आर्मी चीफ है बे न गाल जो ऐलान कियो आ तो वो नवंबर में रिटायरमेंट वठदा है न की एक्सटेंशन दी गाल कदा तो मां तो समझा तो इन तरह जो जे भी आईडिया फ्लो कियो होंदो या मिसाल खबर फ्लोट कई होंदी वो मुमकिन आ तो एकड़ी ख्वाहिश जरूर हो जे केजी बाकी ये थींदे नजर एटलीस्ट मुखे त न थो अरे बदर साहब शहबाज शरीफ जो लंडन मुशावरत लाए वो नवाज शरीफ से तुम समझो तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुकर्री वो मामलो भी उनमें शामिल होंद ईंदड़ वक्त में जाहिर है जो कोलिशन गवर्नमेंट के मुआशी हवा से मुख्तलिफ चैलेंजेस तुम समझो इलेक्शन तीन उ चैलेंजेस जो कोलिशन जाहिर है सब पार्टियों में शामिल हैं उ लगे तो मुआशी तौर पर जो सूरत हाल है उन में ही मुल्क बाहर निकरी ईंदड़ इलेक्शन में कोलिशन जो पार्टनर्स हैं उ सियासी फायदो हासिल कर सकता या तुम समझो यो चैलेंज जो है इन वक्त जैसे तो मुल्क की मजमुई जो मुआशी सूरत हाल है वो अड़े किस्म की कोने यो चैलेंज मौजूद रहो ईंदड़ इलेक्शन तीन शकीन साई इलेक्ट भी सिटिंग गवर्नमेंट होंगी भी इनकमेंट गवर्नमेंट होंगी उनके इन तरह जो चैलेंजेस हूँ जैसे तुम सरकार में हूँ तो यकीन मांग जो नाराजगियों तुम मिसाल अमरीकी इलेक्शन के हवा से ही तुम ये भी मिड टर्म इलेक्शन अमेरिका में घने भांगे सिटिंग गवर्नमेंट होंगी वह लूज कहो रो है काफी वक्त का हिंसर भी शायद
ईअं ई थींदो। तंहिंजे करे माशी तकलीफ़ जो मां हिकिड़ो टर्म तव्हांखे इस्तेमालु था कनि, रस्ट जो इस्तेमालु था कनि, रस्ट स्टेट्स जेके आहिनि या इन तरह जो हिकिड़ो टर्म इस्तेमालु था कनि। यानी ख़ुदि अमेरिका में बि तमामु वॾी इंडस्ट्रीज़ जी डिक्लाइन थी आहे, एम्प्लॉयमेंट जी डिक्लाइन थी आहे, उनखे ट्रंप बि इस्तेमालु कयो। मां ईअं सम्झां थो त हिते बि उन ते प्रेशर ज़रूरु सरकारनि ते हुजणु खपनि, माशी प्रेशर हुजणु खपनि, त जीअं सरकार आवाम जी बहितरी लाइ फ़ैसिला करे सघे। पर जेकॾहिं टाइम मिलियो त तव्हां ॾिसो त कुझु महीना पहिरियों जेकी सरकार ते जंहिं अंदाज़ जी तनक़ीद पई थी, उहा कुझु न कुझु तव्हांखे धीमी नज़र आई हूंदी। ऐं आहिस्ते आहिस्ते जेकॾहिं सरकार खे ई 5-8 महीना ॿिया मिलनि था त सरकार यकीननि अहिड़े क़िस्म जा फ़ैसिला कंदी, ऐं तेल जूं क़ीमतूं या आम वाइपे जी शयुनि जूं क़ीमतूं यकीननि हिकिड़े आम माण्हू जी हैसियत में मां ज़रूरु ईअं चवंदुसि, जेकॾहिं उहे घटि थियनि त यकीननि आवाम ते प्रेशर घटि थींदो ऐं आवाम हरूभरू हवाई प्रोपेगेंडा जे कन न धरंदो। ऐं मां ईअं सम्झा थो त इहो सरकार जे सर्वाइवल लाइ ऐं फ्यूचर जी इलेक्शन जे लाइ ज़रूरी आहे, हू महांगाई ते कंट्रोल कनि। जी जावेद, तव्हां कीअं ॾिसो था मुल्क जी जेका मजमूई मुआशी सूरताल आहे, तव्हां सम्झो था ईंदड़ इलेक्शन ताईं कोलिशन जेका गवर्नमेंट आहे मुआशी हवाले सां आवाम खे को रिलीफ ॾेई सघंदा? छाकाणि जेकॾहिं मुआशी हवाले सां रिलीफ नथो मिले त ईंदड़ इलेक्शन में कोलिशन जंहिंमें पीपल्स पार्टी, नवाज़ लीग ऐं ॿियूं जमायतूं शामिल आहिनि, इलेक्शन में उन्हनि जे लाइ मसला पैदा थी सघंदा? मां तव्हांजे हिन सवाल जो जवाब ॾियण खां अॻु में जेका पोयां डिस्कशन हो उनखे उनजा हिकु ॿ नुक़्तो जेको आहे, जीअं बदर साहब चयो, ॾिसो हाणे ॻाल्हि हले पई त इमरान ख़ान जा जेकॾहिं मुतालबा या निगोसिएशन में मञा था वञनि त हमेशह जेके मुतालबा मञा वेंदा आहिनि उहा पोज़िशन ऑफ पावर तां जेके आहिनि उहे डिक्टेट थींदा आहिनि त कहिड़ी धुर जेका आहे उहा पावर में वधीक आहे, वधीक पोज़िशन में आहे टर्म्स मञाइण जी में। त कुझु अरसो अॻु जेकॾहिं तव्हां ॾिसो आहे त इमरान ख़ान उन पोज़िशन में हो पंहिंजा टर्म जेके आहिनि डिक्टेट करण जी में, जॾहिं ही सभु परेशान आहे। इमरान पंहिंजा समूरा कार्ड एग्ज़ॉस्ट करे चुको, सॼा हमला, तकरीरूं, जलसा ऐं विचे मुदे वारी चूंड, ऐं हाणे आख़िरी जेको उनजो अरबो आहे लॉन्ग मार्च, उहो बि इंतिहाई डेडली लॉन्ग मार्च आहे। त मूंखे नथो लॻे त एस्टेब्लिशमेंट इन पोज़िशन खां पोइ उहो गिव अप कंदी या उनजे टर्म्स ते ईंदी। इहो मुल्क में हिकिड़ो ख़तरनाक प्रेसिडेंट हूंदो त माना का बि पार्टी, का बि ग्रुप ऐं मज़हबी ग्रुप बि मुल्क में एग्ज़िस्ट कनि था, उहा अहिड़े क़िस्म जी कैंपेन हलाए ऐं हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट खां पंहिंजा मुतालबा मञाइनि। त पहिरीं ॻाल्हि त मां मूंखे ज़ाती तौरु नज़र नथो अचे त का अहिड़ी सूरताल थींदी। ॿियो जेको तव्हांजो सवालु आहे त एस्टेब्लिशमेंट ख़ुदि चाहींदी त मुल्क में माशी इस्तकाम अचे, छाकाणि जो मुल्क जी बजेट जो सभ खां वॾो स्टेक होल्डर मुल्क जी जेका फ़ौज आहे ऐं उहे इदारा आहिनि, ज़ाहिर आहे असांजी हिकिड़ी रियलिटी आहे त सिक्योरिटी स्टेट आहे, उनजा हिकिड़ा एक्सपेंसिस आहिनि ऐं तरीक़ेकार आहे, उहो ॾोकड़नि सां हलंदो। मुल्क में जेकॾहिं ॾोकड़ न आहिनि त उहे किथां ईंदा? ज़ाहिर आहे हिन सरकार खे स्पेस खपे ऐं जहिड़े क़िस्म जा एफर्ट्स वठनि पिया, जीअं क्राउन प्रिंस एक्सपेक्टेड आहे सऊदी अरब जो, मोहम्मद बिन सलमान, ऐं चाइना जो विज़िट थियो हींअर वज़ीर आज़म जो, उते बि कुझु कमिटमेंट थियूं आहिनि, ऐं इहे सभु थींदियूं नॉर्मलसी सां ऐं सूरताल ठीकु करण सां। त इन में ज़ाहिर आहे एस्टेब्लिशमेंट ऐं फ़ौज जो बि स्टेक आहे त मुल्क में जेकॾहिं अरबे डॉलर ईंदा उन्हनि जो ख़ुदि जेको सॼो एडीफेस आहे, पंहिंजो सिक्योरिटी जो एपरेटस आहे, उहो पैसनि सां ई थींदो। पैसा ईंदा, सरकार कंफर्ट ज़ोन में ईंदी, जेका हींअर सिटिंग कोएलिशन आहे, ख़ुदि एस्टेब्लिशमेंट जेका आहे उहा हिकिड़ी जेका आहे माशी ट्रेप में जीअं हींअर आहे उहा उतां निकिरंदा। त अहिड़ी सूरत हाल में इमरान ख़ान जा मुतालबा मञणु माना रिवर्स करणु आहे। ऐं जॾहिं इमरान ख़ान जो सॼी दुनिया ॾांहुं को पॉज़िटिव मैसेज कोन्हे को, इवन सऊदी अरब, तव्हां जा जेके एलाइज़ आहिनि, चाइना आहे, सी पैक जे मामले में तमामु घणा कावड़ियल आहिनि, त तव्हां डोमेस्टिकली बि जेकॾहिं उनजा टर्म्स ऐं कंडीशन डिक्टेट थी था वञनि, इहो मैसेज थो वञे पियो त इमरान ख़ान कंहिं बि तरीक़े सां नेक्स्ट इलेक्शन में अचे थो या हेल बी इन पावर, त मुंहिंजे ख़्याल में इहो मैसेज बि ख़ुदि जेको आहे पाकिस्तान जी मईशत लाइ हिकिड़ो सुठो कोन्हे को। तव्हां ॾिसो था जंहिं ॾींहुं का न का कारवाई थिए थी या इमरान ख़ान ख़िलाफ़ को केस थो अचे, उनजी स्टॉक बि उतां जी जेका रिएक्ट थी करे, त माना जेका बिज़नेस कम्यूनिटी आहे उहा ख़ुदि इन क़िस्म जे एनवायरमेंट खां ख़ाइफ़ आहे। त मुंहिंजे ख़्याल में जेकॾहिं इमरान ख़ान खे सबड्यू करे विया कंहिं हद ताईं हिन महीने में या ईंदड़ महीने ताईं, त जेका इतां जी सरकार आहे उहा हींअर खां कंहिं बहितर पोज़िशन में हूंदी ॻाल्हाइण जी या करण जी में। ऐं हू बि गॾियल नमूने सां इहे जेके बि इतादी आहिनि इन्हनि जो हिकिड़ो वोट बैंक जेको आहे उहो 60-75% आहे मुल्क में, थोरे जो स्केटर्ड आहे। पर मां सम्झा थो जेकॾहिं हीअ सूरत हाल ते इन्हनि जो कंट्रोल थी वियो त अॼु खां जॾहिं असीं ॻाल्हाए रहिया आहियूं इन खां वधीक बहितर पोज़िशन में हूंदा।
जी बदर साहब, इंदड़ इलेक्शन के हवाले से जाहिर है तो सऊदी वली अहद जो दौरो है वो भी तमाम वो इम्पॉर्टेंट होंगे, खास तौर पर मुआशी पैकेज के हवाले से ताज़ो चाइना जो विजिट भी प्राइम मिनिस्टर कर चुको है, तो तुम समझो तो इमरान खान की जी फिनमना है लॉन्ग मार्च वाली जाहिर है लगे तो वो डिफ्यूज थियण वजे थी पी, जी वह डिफ्यूज थे थी तो इंदड़ इलेक्शन में तुम समझो तो इंदड़ इलेक्शन जी सेप्टेंबर या अक्टूबर महीने में थी सके थी। मुझे ख्याल में इलेक्शन जो चवन था इलेक्शन अगस्त में एक्सपेक्टेड है, जो उनको मतलब टाइम है टेन्योर पूरा थे तो मैं समझा तो इलेक्शन पे टेन्योर पे ही थी सके थी या ये भी थी सके तो कुछ शायद कोई थे थे। पर इमरान खान के मुतालबे के मुताबिक जल्दी को थे अस शुरू को ही चंदा रहा हूं तो ये सनसेट क्लास वाली गाल क्या त इमरान खान जो ही जकी पावर आ है जो जितरो कल हो एतरो अज ना है जितरो अज आ एतरो अज को ब महीना को न हुंदो। इमरान खान जी अपील कमजोर थींदी जी जी मुल्क माशी तौर बेहतर थींदो जी जी सरकार जी मईशत दे ग्रिप अधिक बेहतर थींदी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जी जी जावेद साहब गाल कई बिल्कुल उन जकने सऊदी अरब भी पंजा डॉलर्स दे थी चाइना भी का हेल्प करे तो मैं ये समझा तो थिंग्स विल गेट नॉर्मल। इमरान खान जो जो एजिटेशन वो एटीट्यूड हो एजिटेशन के एक बुनियाद मिले पी जो हालात खराब आ उनके जैसे बुनियाद न मिलती तो इमरान विदाउट एजिटेशन के इमरान वट को भी अड़ो को प्लॉजिबल फार्मूलो ना है जो मानों के पे कट लगे सके। मैं ये समझा तो टाइम जी गुजर शरकार के कंट्रोल में। नाजरीन इतने प्रोग्राम जो वक्त पुजाणी के पौतो जावेद लांगा साहब बदर समय जो साहब टेलीफोन लाइन ते असांगे सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब ज्वाइन कियो टिनी मेहमानन जी मेहरबानी। नाजरीन इंदड़ प्रोग्राम में वरी कें बे उनवान से हाजिर थींदासीं। तेसि ताईं इजाज़त अल्लाह वाहिगुरु।